Hello everyone, my name is Aakash Kuliyal and you're watching Aakash F1. First of all, let me tell you guys about my channel. इस चैनल का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उसके सॉल्यूशंस मैं आपको दूं, जो प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी है अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूं, जिससे कि आप कंप्यूटराइज्ड अगर अकाउंटिंग करते हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन फ्रेंड्स के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ जिनको रियली इसमें प्रॉब्लम है होती है एंट्रीज पास करने में. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वाउचर क्लास इन टेली आपी 9. फर्स्टली लेट मी टेल यू गाइज अबाउट द वाउचर. वाउचर एक ऐसा सेक्शन होता है टेली के अंदर, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन्स, जिसमें जाकर हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं. इट इज़ अ प्लेस वेर वी यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स. जो इसका बेस है वो मास्टर्स है. बिना मास्टर्स में लेजर्स बनाए यू कैन नॉट पास एनी जनरल एंट्री इन द ट्रांजेक्शन्स ग्रुप. और वाउचर्स में एंट्रीज पास करने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम अपनी रिपोर्टिंग सेक्शन में जाकर रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकें. सो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वाउचर में एंट्री पास करने में वो ये है कि अभी जैसे मैंने फेस करी वो ये कि मेरे को 30 क्लिक्स दबाने पड़े एक सेल्स के एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए. जैसे कि अभी मैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाकर आपको दिखाता हूँ अपने लेजर्स. मेरे पास 6 कस्टमर्स हैं, एक लोकल सेल्स 12% का लेजर है, आउटपुट CGST और SGST के मैंने दो लेजर्स बना रखे हैं टैक्सेशन प्रोसीजर को रिकॉर्ड करने के लिए. एंड अगर मैं इन्वेंट्री इन्फो में जाके आपको दिखाऊं स्टॉक आइटम्स, तो यहाँ पे मैंने 3 प्रोडक्ट्स बना रखे हैं और उनको मैंने ग्रुप दे रखा, उनका ओपनिंग स्टॉक डिफाइन कर रखा है एज यू कैन सी. तो अब मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे पे ले जाता हूँ, वो ये है कि अकाउंटिंग वाउचर्स में जब हम जाते हैं एफेट दबाते हैं तो यहाँ पर इस सेक्शन पे हमें रेफरेंस नंबर यानी कि पहले बिल नंबर डालना पड़ता है. ओके नो प्रॉब्लम. मैंने I001 डाला, देन मैंने अपनी पहली पार्टी को सेलेक्ट किया जो कि है कस्टमर 1. अब देखिए डिस्पैच डिटेल्स जो आती हैं, ऑर्डर डिटेल्स एंड बायर डिटेल्स, ये बेसिकली वो डिटेल्स हैं जो एट द टाइम ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग हम यूज़ करते हैं. उसके लिए आप ऑर्डर प्रोसेसिंग का मेरा वीडियो देख सकते हैं. बट इसमें अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन सब चीज़ों को डालने की. तो अब मेरे को इसको स्किप करना है तो इसमें मेरे एंटर एंटर तो यूज़ होंगे होंगे. हाँ मैं कंट्रोल ए तो दबा सकता हूँ इसको पूरा सेव करने के लिए, बट हम नॉर्मली एंटर एंटर ही दबाते हैं. नाउ सेल्स का लेजर आया, लोकल सेल्स 12%, मैंने ये लिया, स्पेस दबाया, अपने तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स लिए 10, एंड यहाँ पे फिर मैंने रेट डाला 80, स्पेस दबाया, अगला प्रोडक्ट लिया 10 और रेट डाला 90, द नेक्स्ट प्रोडक्ट मुंबई वड़ा पॉप्स 10 पीसेस 100 रुपीज़. उसके बाद मैं इस लकीर के नीचे आया और यहाँ पर इस टैक्स को मैंने रिकॉर्ड किया. आउटपुट SGST 6% एंड आउटपुट CGST 6%. जिन लोगों ने मेरी टैक्सेशन की वीडियो नहीं देखी है सेल्स की, परचेज एंड सेल्स GST, वो ज़रूर देखें जिससे कि उनको इस सेक्शन में इस वीडियो के थ्रू क्लैरिटी मिले. तो अब यहाँ पर एंटर एंटर करके जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 30 क्लिक्स मेरे लगे, जो मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग पता करा कि 30 क्लिक्स में मेरी एक सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड हो रही है. एंड दिस इज़ कॉल्ड हार्ड वर्क. यही वो चीज़ है जो कंप्यूटर में हमें स्ट्रेस देती है और अगर हम इसको लगातार करते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई ऐसा भी मीडियम है जिसकी जिसके तहत हम इस चीज़ को स्मार्टली कर पाएँ. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपली कि एक काम है उसमें हम कम से कम जितने भी हम कम से कम क्लिक्स करें उतना ही काम वो जल्दी हो सकता है. तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाउचर क्लास घुमा फिरा के. तो अब बात करते हैं वाउचर क्लास की. तो अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पे मैं जाऊंगा, वाउचर टाइप्स एंड देन ऑल्टर. ऑल्टर के सेक्शन पे आप जाओगे तो आपको जितने भी आपके वाउचर्स होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे. जैसे कि मैंने अब चूज़ करा सेल्स एंड अब मैं यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ. वो है सबसे पहला मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग. ये मुझे ऑटोमेटिक ही रखना है. क्यों? क्योंकि मैं मैनुअली वाउचर नंबर नहीं डालना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम रियली लेजी इन कंप्यूटर मशीन्स की मैं उस पर अपना खुद का कोई वर्क करूं. मैं चाहता हूं कंप्यूटर ही मेरे लेवल पे कर दे. यूज़ एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन पे मैं जाऊंगा, उसे यस करूंगा क्योंकि मैं अपने वाउचर नंबर को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं. स्टार्टिंग नंबर हम 1 ही रखेंगे. विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट में मैंने 3 डिजिट रखी. क्यों? क्योंकि मुझे अपने नंबर को 3 डिजिट में दिखाना है. एग्जाम्पल के रूप में 001, 002, 003. बट वो 00 जो उसके पहले है वो कब आएगा? जब मैं प्रीफिल विद 0 वाले ऑप्शन को यस करूँगा. तो आपको ये तीनों के तीनों ऑप्शन समझ में आ जाने चाहिए.
देन रीस्टार्ट नंबरिंग, यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कब मुझे नंबर रीस्टार्ट करना है. आफ्टर 1 ईयर आई वॉन्ट माई नंबर टू बी रीस्टार्ट फ्रॉम द 1. नाउ द प्रीफिक्स डिटेल्स में हम जाते हैं. प्रीफिक्स मतलब उस वाउचर नंबर के जस्ट पहले मुझे क्या चाहिए. बट टैली अभी मेरे से क्या पूछ रहा है कि कब से आपको इसे एप्लीकेबल करना है. तो मैंने 1/4 दबाया एंड देन एंटर दबाया. देन उसने पूछा पर्टिकुलर्स में कि आपको दिखाना क्या है. मैंने कहा भाई मुझे बस 001 के आगे तू आई अपने आप लाकर दे दे. एंड देन मैंने एंटर किया. ओके और सफिक्स में मुझे कुछ नहीं डालना है. उसके बाद मैं नीचे नीचे और आया. यहाँ पर अब आता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग. देखिए जब हम सेव करते हैं अपने वाउचर को तो हमें दोबारा पेज अप दबाकर उसे ऑल्ट पी करना होता है. तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि आप इस ऑप्शन को अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर अब टैली आपसे सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली प्रिंट के लिए पूछेगा. आप डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट डिफाइन कर सकते हैं पर मुझे ये सब नहीं करना है. देन आता है नेम ऑफ क्लास. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट वाउचर क्लास. वाउचर क्लास एक प्रकार का एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर जाकर आप अपने लेवल पे वो डिफ़ॉल्ट लेजर्स मास्टर्स डिफाइन कर सकते हैं जिसका यूज़ टैली आपी नाइन उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए करेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. उसे पहले से ही वो इंटीमेशन हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए और वो आपको डिलीवर करेगा. दैट्स वट कंप्यूटर नॉलेज इज ऑल अबाउट. सो नेम ऑफ क्लास में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा लोकल इंट्रा स्टेट या फिर सिंपली लोकल सेल्स 12%. लोकल सेल्स 12% मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि ये सेल्स मैं स्टेट अपनी स्टेट के अंदर ही करता हूँ. एंटर किया. अब यहाँ पर टेली मेरे से पूछता है एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स इंक्लूड दीज ग्रुप्स. तो यहाँ पर मेरे को वो ग्रुप्स डिफाइन करने हैं जिस ग्रुप्स को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ या फिर एक्सक्लूड करना चाहता हूँ अपने वाउचर की एंट्रीज में. तो मेरे लिए भी आसान है इंक्लूड करना. तो मैंने बोला भाई मुझे बस सन्ड्री डेटर्स दिखाने हैं. और यहाँ पर टैली को भी मैं समझ पा रहा हूँ कि वो ग्रुप्स क्यों पूछता है, लेजर्स क्यों नहीं पूछता, क्योंकि जो लेजर की डेफिनेशन है वो ग्रुप से ही कनेक्टेड है. अब लेजर कुछ भी बनाओ जो उसका मेन पर्पस है, जो मेन उसकी डेफिनेशन है, जो उसका नेचर है, वो तो ग्रुप ही होगा ना. तो मैंने सन्ड्री डेटर्स लिया यहाँ पे क्योंकि मुझे डेटर्स को ही डेबिट करना है. देन उसने बोला और कोई आपको ग्रुप लेना है. मैंने कहा नहीं, एंड ऑफ लिस्ट. नाउ दिस सेक्शन, यहाँ पे टैली मेरे से पूछ रहा है कि आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा ऐसा लेजर सेट करना है जिसके तहत आप अपने सारे के सारे स्टॉक आइटम्स को दिखाना चाहते हैं. देखिए नॉर्मली अकाउंटिंग क्या है, नॉर्मली अकाउंटिंग का मतलब ये है कि डेबिट एंड क्रेडिट्स, डेबिट एंड क्रेडिट में आपको अकाउंट्स डिफाइन करने पड़ते हैं और डेबिट क्रेडिट अपने आप में एक प्लस माइनस है. तो उन अकाउंट्स को डिफाइन करने के लिए आपको बार बार सेल्स अकाउंट बनाना पड़ता है, कई बार आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है. तो यहाँ पर टैली आपसे सिंपली पूछ रहा है कि मेरे को बस एक लेजर बता दो जिसको आप बार बार एंटर करते रहते हो, यानी कि सेलेक्ट करके एंटर करते रहते हो. तो मैंने ले लिया लोकल सेल्स 12%. ये लेजर मैंने बनाया था बेसिकली अपनी उन सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए जिन पे 12% GST लगता है और वो मेरी स्टेट के अंदर मैं उन्हें बेचता हूँ. फिर उसने मेरे से पूछा सेट और ऑल्टर टैक्स क्लास, अपनी टैक्स की क्लासेज भी मुझे बता दो जो रखनी है. मैंने इसको यस करा. एंड देन यहाँ पर उसने मेरे से टैक्स क्लास पूछी. तो मैंने टैक्स क्लास ली सेल्स टैक्सेबल. इसके तहत इंट्रा स्टेट टैक्स कटता है जिसमें SGST और CGST कैलकुलेट होता है. देन परसेंटेज 100%, मेरे को अपनी 100% सेल्स को सेल्स रिकॉर्ड करना है. उसके बाद टैली इस वाले सेक्शन पे आपको ले जाएगा और बोलेगा कि आपको अपने इन्वॉइस में कोई एडिशनल अकाउंटिंग एंट्री करनी है. व्हाट डज दैट इवन मीन, यानी कि टैक्स रिकॉर्ड करना है, कोई अदर चार्जेस यानी कि डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है. मैंने कहा मुझे चाहिए आउटपुट SGST 6%. और यहाँ पर मैंने बोल दिया रिमूव इफ 0. देन स्पेस दबा के मैंने अगेन लिया आउटपुट CGST 6%. तो ये दो मेरे टैक्सेशन के लेजर्स होंगे. तो कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान से इस पूरी स्क्रीन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने अपने सारे डेटर्स को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डेबिट घोषित कर दिया. अपनी सेल्स को यहाँ पर मैंने जो भी स्टॉक आइटम्स होंगे उनके लिए मैंने ये लेजर डिफ़ॉल्ट लेवल पे सेट कर दिया और अपने टैक्सेशन के दो लेजर्स भी मैंने सेट कर दिए. इसको मैं सेव करता हूँ. जब आप इसे सेव करोगे तो आप देखेंगे कि आपकी एंट्रीज कितनी फास्ट हो जाती है. वी फॉर वाउचर्स, देन F8 दबाइए. जैसे आप F8 दबाएंगे सेल्स वाउचर के लिए तो यहाँ पर पूछेगा आपसे लोकल सेल्स 12% या फिर नॉट एप्लीकेबल. अगर आप नॉट एप्लीकेबल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट लेवल पे जो सेल्स जैसा चल रहा था वैसा ही वाउचर आएगा. बट जो आपने अपने अकॉर्डिंग डिफ़ॉल्ट लेवल में सेटिंग्स करी है अपने यूज़र डिफाइंड लेवल पे, उस पर आप लेंगे अब लोकल सेल्स 12%. और जैसे ही आप ये लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब लोकल सेल्स 12% आ गया, मेरा वाउचर नंबर यानी कि मेरा बिल नंबर भी आ गया. अब मुझे रेफरेंस नंबर में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है. मैं एंटर करूँगा पार्टीज अकाउंट नेम. पहले इसमें कैश का लेजर भी आ रहा था
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर भी आ रहा था, बैंक अकाउंट भी आ सकता है, पर अब वो मेरे को गलती से भी गलती नहीं करने देगा क्योंकि मैंने उसको बोल दिया कि मुझे केवल डेटर्स की ही लेजर चाहिए। नाउ अगर मैं कस्टमर वन पे एंटर करता हूँ, अब ये विंडो मेरे को बार बार एनोय कर रही है, बार बार ये विंडो आ रही है। तो इस विंडो को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, F12 दबाइए, कॉन्फिगर पे जाइए और इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स को ही डिजेबल कर दीजिए। यानी कि कोई आपको डिस्पैच डिटेल्स, कोई रिसीविंग डिटेल्स नहीं डालनी है जो ट्रांसपोर्टर आपको ला के देता है। वी डू नॉट वॉन्ट एनी ऑफ देम। तो मैंने क्या कर दिया, अब इसको सेव करा, तो अब एंटर करके वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। देख लीजिए नाउ, अब नेम ऑफ आइटम में फटाफट से डालता हूँ मैं चीज़ी कॉर्न ट्राइंगल 10। उसके बाद नेक्स्ट लिया मैंने अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट क्रंची चिकन नगेट 10 और लास्ट है मुंबई वड़ा पॉप्स 10। और यहाँ पर अब मुझे अंडरलाइन के नीचे आना है जिससे कि मैं टैक्सेशन लेवल पे जा सकूँ। पहले मुझे इस पे लेजर दिखाने पड़ रहे थे कि कौन से लेजर के तहत मुझे टैक्स को रिकॉर्ड करना है, पर अब वो मेरे से पूछ ही नहीं रहा क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट लेवल पे से सेट कर दिया। एंड वन मोर थिंग, आप एक चीज़ देखेंगे कि जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से ठीक यहाँ पर ले जा रहा है इस सेक्शन पे, ठीक है, और अब मेरे को डायरेक्टली मेरे को ये यहाँ पे ले जा रहा है जिससे कि मेरा टाइम बच रहा है, ठीक है। अब एक विंडो यहाँ पे नहीं आ रही है जिसको हम बोलते हैं बिल वाइज डिटेल्स, मैं आपको उसे भी दिखा देता हूँ। F12 करके मैंने उसे कॉन्फिगर करा और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज़ डिफॉल्ट्स फॉर बिल एलोकेशंस। इस ऑप्शन को अगर आप येस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लेवल पर टैली अपने आप ही बिल एलोकेट करता रहेगा। अब मैं इसे नो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद से आपको ये दिखाना है। और मैं फटाफट से यहाँ नीचे आया, तो अब अगर मैं यहाँ पर आके देखते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये बिल भी दिखा रहा है, ठीक है। इसीलिए आप उस ऑप्शन को पहले से ही येस रख सकते हैं जिससे कि टैली ऑटोमेटिकली बिल की भी रिकॉर्डिंग करते रहे। हाँ, जब आपको अपनी पार्टी को कोई ड्यू डेट या फिर क्रेडिट डेज देने हैं तब तो आप उस ऑप्शन को नो ही रखिए, खुद से ही डालिए। मैं रेकमेंड करूँगा उसे नो ही रखिए जिससे कि आप एट द एंड कम से कम ये तो देख सके कि बिल नंबर क्या है, क्या क्रेडिट डेज देने या नहीं देने, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी नेक्स्ट एंट्री करके दिखाऊं अब, तो देखिए इससे पहले ही मेरे को क्या दिखा रहा है, टैक्स इनवॉइस क्या आपको इसका प्रिंट करना है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ विद प्रीव्यू अगर मुझे चाहिए। मैंने कहा हाँ मुझे प्रीव्यू देखना है, पहले प्रीव्यू देखना अच्छा होता है, नहीं तो आपका पेज ख़राब हो सकता है, गलत प्रिंट हो सकता है। और एक एम्प्लॉयर के लिए सबसे बड़ा हर्ट हर्ट यही होता है कि मेरा पेज ख़राब ना हो जाए, हर कोई यही बोलता है। तो प्रिंट को आप ज़रूर इसको यस करें, एक आप प्रिंट प्रीव्यू ज़रूर देखें और फिर उसे जूम करें, और जब पूरा कॉन्फिडेंट हो तभी आप प्रिंट प्रीव्यू को वहाँ पर नो करें। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे कंपनी का नाम आ रहा है, मेरा GST नंबर, मेरे कस्टमर का नाम, उसका GST नंबर, मेरे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स। HSN कोड मैंने डिफाइन नहीं करे हैं क्योंकि मेरा मकसद था आपको यह समझाने का कि वाउचर क्लास क्या है। तो वाउचर क्लास क्या है, असल में एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपनी एंट्रीज को और फास्ट कर सकते हो। मैं एक एंट्री और करके दिखाता हूँ, देन इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। एंटर नेक्स्ट पार्टी कस्टमर टू स्पेस 10 स्पेस क्रंची चिकन नगेट 10 स्पेस मुंबई वड़ा पॉप्स 10, और ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। एंटर, और यहाँ पर अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट हैं तो अब आप इसको पूरा सेव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट एनी प्रिंट देन हिट द बैक स्पेस बटन। नेक्स्ट एक और चीज़ मुझे दिखानी है, जस्ट प्लीज़ वन वंस मोर। पार्टीज नेम में अगर आप जाके Customer 3 लिखते हैं, स्पेस दबाते हैं, चीज़ी कॉर्न ट्राइंगल लेते हैं 10 लिखते हैं, क्रंची चिकन नगेट 10 अगेन एंड मुंबई वड़ा पॉप्स 10 अगेन, तो यहीं पे आप कंट्रोल दबा के अपनी एंट्री को भी सेव कर सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट तो अपने आप में रिकॉर्ड हो ही रहा है, वो सही रिकॉर्ड करेगा क्योंकि आपने उसे डिफाइन कर रखा है सारी की सारी परसेंटेज। कंट्रोल ए मैंने दबाया, उसने उसको पूरी तरीके से सेव कर दिया और यहाँ से आप प्रिंट डिफाइन कर सकते हो। ओके सो अगली जो जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको पता हो, एंड जिनको ये पता है नो प्रॉब्लम, दे आर वेलकम टू स्किप दिस वीडियो। वो चीज़ ये है कि अब आप अपने लेवल पे परचेज का रेट और सेल्स का रेट भी बाय डिफ़ॉल्ट लेवल पे सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना पड़ेगा, स्टॉक आइटम्स, ऑल्टर, और यहाँ पर चीज़ी कॉर्न ट्राइंगल जो है जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर आप F12 दबाइए और यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं इसके स्टैंडर्ड रेट्स, इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम्स। अगर आप इसे येस करते हैं और सेव करते हैं तो यहाँ पर ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट्स एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को येस करिए और यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट और मेरी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई आस्क माई स्टूडेंट्स कि ये विंडो क्या है,
और वो कहते हैं कि सर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट डिफाइन करते हैं और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. मैंने कहा नो नो गाइस, हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट मार्जिन डिफाइन करते हैं कहीं ना कहीं. तो अगर मैं इस पे बात करूँ प्रॉफिट मार्जिन, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर असल में अपनी कॉस्ट भी डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरी कॉस्ट क्या होगी और मेरा प्रॉफिट क्या होगा. मतलब कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये यह डिफाइन कर रहा हूँ कि 70 रुपये में मैं खरीदूंगा और 80 रुपये में मैं बेचूंगा, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ और इसको मैंने सेव करा. तो इससे क्या होगा, जब भी मैं परचेज करूंगा तो टैली ऑटोमेटिकली मुझे वो परचेज का रेट लाकर दे देगा. अगर मैं एक कैश का एग्जांपल लूं और यहाँ पर परचेज का एक लेजर बनाऊं, और यहाँ पर मैं लेता हूँ अब क्वांटिटी 10, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो रेट आ रहा है 70. इससे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे रेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. और यही मैं सेल्स के टाइम पे भी अगर करूँ तो सेल्स के टाइम पे भी ऑटोमेटिकली वो रेट आएगा. तो एक जो हमने एक्स्ट्रा टिप्स पढ़ी वो थी स्टैंडर्ड रेट्स. नेक्स्ट है बजट्स एंड कंट्रोल्स. अगर आप F11 F2 करते हैं, सॉरी F1 करते हैं, तो अकाउंटिंग फीचर्स सेक्शन में एक ऑप्शन आता है मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल्स. वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पे आपको जैसे आप उस ऑप्शन को यस करेंगे और सेव करेंगे स्क्रीन को, तो अकाउंट्स इंफॉर्मेशन लेजर्स एंड ऑल्टर, यहाँ पर आपका कस्टमर वन जो लेजर है उस पर आप उसकी क्रेडिट लिमिट को डिफाइन कर सकते हो. बजट्स इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जिससे कि आप उन एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सको. बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि कितना क्रेडिट अपने डेटर को हमें देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्रेडिट देना की भी एक लिमिट होनी चाहिए. सोचिए अगर आपने 20 तारीख को अपने डेटर को सेल करी और वो आपको पैसा लौटा रहा है 30 तारीख को, वो भी एक पोस्ट डेटेड चेक के द्वारा जिसकी डेट है अगले महीने की 6 तारीख, तो जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है और वो आपके थ्रू बिजनेस कर रहा है और आपको क्रेडिट में रख रहा है बहुत ही लंबे समय तक. तो इसीलिए एम्प्लॉयर्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो पोस्ट डेटेड चेक को स्वीकार जरूर करें, बट एट द एंड ये भी देख लें कि उसको क्रेडिट कितने लेवल का देना है, ठीक है? तो जिससे कि वो अपने एक बजट के लेवल को भी सेट कर सके. और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आप इसे सेट करते हैं, आपको पता होगा कि यार मुझे किसको कितना क्रेडिट देना है, क्योंकि मुझे तो अपने अकाउंटिंग रेशियो को भी देख के चलना है कि मेरी असेट्स और मेरी लाइबिलिटीज़ दोनों के दोनों 1:1 में रहें. तो अब सिंपली मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट को मैंने क्यों सेट करा, क्यों सेट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी इस कस्टमर को एक लेवल के बाद अगर माल बेचूँ तो मैं मेरे पास एक अलार्म अलर्ट आ जाए कि नाउ दैट्स इनफ, आई वॉन्ट माई मनी बैक एंड देन आई विल सेल यू अगेन. तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल लिमिट सेट करी 1 लाख रुपीज़ और इसको मैंने सेव करा. और अभी हम ये देखते हैं कि हमारा जो कस्टमर है ये किस लेवल पे है. तो मेरा जो डेटर है कस्टमर वन वो है 6048 का अभी, और मैंने लिमिट सेट कर रखी है 1 लाख रुपए की. तो जैसे ही वो उसे 1 लाख रुपए को पार करेगा किसी वजह से, मतलब अगर मैं उसे बड़ी सेल करूं कुछ भी, तो मुझे एक अलार्म अलर्ट मिल जाएगी कि नेक्स्ट टाइम नो 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 उसको सेल नहीं करना है. और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नोटिफिकेशन से भी दिखा रहा है कि अभी आपका ये जो डेटर है 6048 रुपये का है, मतलब इसने अभी तक आपको 6048 रुपये देने हैं और इसको आपको 1 लाख रुपए तक का ही माल बेचना है. तो ये दो इंडिकेशन एक अकाउंटेंट के दिमाग में भी रहेंगे और वो अपने एक एम्प्लॉयर यानी कि अपने बॉस को भी डिफाइन कर सकता है ये सब चीज़ें. नाउ क्वांटिटी मैंने डिफाइन करी फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100, ये मैंने डिफाइन करी 900 एंड नेक्स्ट मैंने डिफाइन करा ये जस्ट 10. तो एज यू कैन सी ये 1,800 रुपये पहुँच गया. अब मैं इसको सेव करने के लिए जाऊँगा. सो टैली विल स्टॉप मी राइट हेयर बिकॉज इसमें एक सेकेंड, ये तो इसने मेरे को इसलिए रिकॉर्ड किया. तो जैसे ही मैं इसको सेव करने के लिए जाऊंगा यहाँ पे टैली मुझे रोकेगा इस चीज़ के लिए. ये रही वो क्रेडिट लिमिट का सेक्शन, कह रहा है क्रेडिट लिमिट ऑफ कस्टमर 1 लाख रुपीज डेबिट एक्सीडेड, यानी कि ये बढ़ चुका है 1,06,848 रुपये, ठीक है? तो यहाँ पे आप तुरंत स्टॉप हो जाओगे और रिपोर्ट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयर को कि सर दिस कस्टमर दिस डेटर इज क्रॉसिंग हिज लिमिट एंड नाउ इट्स टाइम टू
गिव द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, मतलब अब वक्त आ चुका है उससे वो अमाउंट लेने का। तो यहाँ से आपके लिए भी एक अपने आउटस्टैंडिंग एनालिसिस को मैनेज करने का एक तरीका होगा, और जो भी आपको पेमेंट लेनी है उसको आप तरीके से ले सकते हैं, और जब भी सेल्स रोकनी है आप वो रोक सकते हैं। तो आपके लिए एक अलार्म अलर्ट है ये। सो बजट्स एंड कंट्रोल्स में जाकर क्रेडिट लिमिट। सो ये दो मैंने एक्स्ट्रा टिप्स बताई, और वाउचर क्लास का जो यूज़ है वो यही था कि अपनी एंट्रीज को हम कितना फास्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर व्यूविंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, सी यू।